नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी अभिभावक जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा अरुण, शैक्षिक व्यवस्था चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कई प्रकार के पशु पक्षी व जीव जंतु होते हैं। आज मैं आपको गाय के ऊपर वार्तालाप करके बताऊंगी। आपको भी अपने छोटे भैया बहनों के साथ वार्तालाप करने का प्रयास करना है। वार्तालाप करने से भाषा का विकास होता है छोटे भैया बहनों में। तो आप अपने छोटे भैया बहनों को गाय को प्रत्यक्ष दिखाकर उसके ऊपर वार्तालाप कर सकते हैं। ये देखो, आपने इसको देखा है, आप इसको जानते भी हो। ये गाय है, इसको गोमाता कहते हैं। ये एक पालतू जानवर है और घरों में पाली जाती है। इसका रंग देखो, सफ़ेद रंग है। कैसा रंग है? सफ़ेद रंग। गाय के और भी बहुत से रंग होते हैं, काला रंग होता है, भूरा रंग होता है। ये सफ़ेद रंग की प्यारी सी गाय है। ये देखो, ये गाय के दो सींग है। गाय के सींगों का रंग काला है और गाय के दो कान भी हैं और गाय के दो आँखें भी हैं और गाय का एक मुंह है और गाय के तिलक लगा हुआ है और गाय के चार पैर होते हैं, दो आगे और दो पीछे। गाय के एक पूंछ भी होती है और गाय के ये छोटा सा प्यारा सा बछड़ा है जिसको गाय अपना दूध पिलाती है। ये गाय के चार थन हैं जिससे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है। गाय का दूध बहुत ही उपयोगी होता है, हमें रोजाना गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध पीते हैं तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है और हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। तो हमें रोजाना गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के दूध से दही, मक्खन, घी और कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती है। गाय का जो गोबर होता है ना, उसको हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं और इससे देसी खाद बनती है जिसको हम फसलों में डालते हैं और पेड़ पौधों में भी ये उपयोगी होती है। इसको जैविक खाद भी कहते हैं। गाय में सभी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए हम इसको गो माता कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हमें गाय को रोजाना प्रणाम करना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण थे ना, आपने कृष्ण भगवान को देखा होगा जो बांसुरी बजाते हैं, वो भी गायों को चराने के लिए जंगलों में जाते थे और गो माता की पूजा करते थे और उनकी सेवा करते थे। तो आपको भी गाय की सेवा करनी है, गाय को रोटी देनी है, उसको चारा पानी डालना है और गाय की हमेशा पूजा करनी है और गाय की रक्षा भी करनी है। धन्यवाद।